मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? नवाज शरीफ को एक उम्मत देनी है तो इलेक्शन का फायदा ही क्या? 75 साल में आपने नहीं कहा, 4 साल में कैसे हो सकता है? 9 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60-65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना PTI, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। हमने बैरिस्टर गौहर को बुलाया, बैरिस्टर गौहर ने ओके किया, बैरिस्टर गौहर वाज पार्ट ऑफ द पैनल, दैट इज व्हाई यू वुड सी ये चौथा नंबर। बैरिस्टर गौहर खान वकील चेयरमैन। मेरी बात सुन लें, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो फिर जवाब आएगा नहीं। आप सुनेंगे तो आप सुनने नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन तलत हुसैन के साथ इलेक्शन स्पेशल, बल्कि हमें ये कहना चाहिए यूथ स्पेशल। पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इन इंतखाबात के मौके पर यूथ वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं। यूथ का ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ही नहीं है, बल्कि उन सियासी जमातों की जीत या हार से भी है जिनको इलेक्शन के ज़रिए ताकत में आने की ख्वाहिश है। तो आज हमने नशस्त का एहतमाम किया है जहाँ पर पाकिस्तान की यूथ नुमाइंदगी कर रही है अपने जज्बात की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के नुमाइंदगान यहाँ पर बैठे हैं और उनका हम इंटरेक्शन करवाना चाहेंगे पाकिस्तान के जरिए सियासतदानों से। हमने तमाम सियासी जमातों को दावत दी, बहुत सो ने कहा कि हमने आना है, लेकिन चूँकि प्रोग्राम की टाइमिंग इस किस्म की थी कि शायद उनमें से चंद एक नुमाइंदगान नहीं भेज पाए, लेकिन हमारे पास भरपूर नुमाइंदगी है सीनियर सियासतदानों की। मैं तारुफ़ करवा देता हूँ, एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, साबिक सेनेटर, तर्जमान, साबिक तर्जमान PTM और JUI के सेंट्रल लीडर, उनका भी शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, मेंबर सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा जमात इस्लामी के सेंट्रल लीडर, उनका भी शुक्रिया। और सबसे पहले मैं यूथ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो पाकिस्तान भर से बहुत बड़ी तादाद में है, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने लिए तालियाँ बजाएँ, क्योंकि मेरी तालियों की आवाज़ तो आएगी। थैंक यू वेरी मच। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट सीधा रखते हैं, हम तीनों लीडरान से गुजारिश करेंगे कि मुख्तसर तरीन पैगाम या अपनी पार्टी की नज़रियात की नुमाइंदगी या अपने बेहतरीन ख्यालात को कूजे में बंद करें और 1.5-1.5 मिनट में यूथ के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से कुछ बात करें, और उसके बाद हम फ्लोर ओपन करेंगे, यूथ के सामने हम माइक रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि मुख्तसर और जामे सवाल होंगे और जामे किस्म के जवाब भी होंगे। तो आगाज़ हम बाकायदा करते हैं अपने शुरका को कह के कि एक एक मिनट में वो अपना मुद्दा बयान करें पाकिस्तान की यूथ के सामने जो एक बहुत बड़ी तादाद में इस हॉल में मौजूद है। हाफिज़ साहब, तो माइक आपका हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तलत भाई, तमाम नौजवानों का मशकूर हूँ, आज की प्लेटफार्म से उनके ज़रिए उनको मुखातिब हूँ। बुनियादी तौर पर पैगाम ये है, यहाँ जितने भी बैठे हैं हमारे नौजवान, वो ख्वातीन हो या हमारे नौजवान भाई हो, ये सारे ताल्लुक़ रखते हैं एक कलिमे से और फिर उसके बाद उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ दाई भी थे, दूसरी तरफ इंकलाबी भी थे, लिहाजा अगर उनकी ज़िम्मेदारियों में दावत पैगाम पहुँचाना भी था तो उनकी ज़िम्मेदारियों में तब्दीली और इंकलाब लाना भी था। तो अगर आप चाहते हैं कि दावत हो, पैगाम हो और साथ तब्दीली और इंकलाब हो, तो उसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर वरब्बक फकब्बिर वथियाबक फतहिर वर्रुज्ज फहजुर। वो तीन चीज़ें ये हैं पैगम्बर अलैहिस्सलातु वसलाम की इंकलाब के पीछे। जब वो खुतबा हजतुल विदा दे रहा था तो 11 लाख मुरबा मील पर उनकी रियासत मदीना कायम थी। तीन चीज़ें थी, तारीख बता रही है। नंबर एक, किरदार की दुरुस्तगी, सीरत की दुरुस्तगी, अखलाक की दुरुस्तगी, ये बुनियादी चीज़। नंबर दो, जो काज जिस प्रोग्राम के लिए आप काम करते हैं उसके लिए मुखलिस होना और दूसरों को पहुँचाना, और इन दोनों सूरतों में आपके सामने चैलेंजेस आएगी, मुश्किलात आएगी, मसायब आएगी, उनको तहम्मुल और सब्र के साथ बर्दाश्त करना और अपने मौकफ और प्रोग्राम के लिए किसी किस्म की यूटर्न नहीं लेना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ साहब, थैंक यू जी। एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान के नौजवान जो
मेरे सामने मौजूद हैं, इनके लिए मेरा पैगाम यही है कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में है कि जिसकी आबादी की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, और इस हवाले से हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। क्योंकि अगले 20 सालों के अंदर दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है जो पिछले 200 सालों से बड़ी तब्दीली है, जिसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज, फिर बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सारे टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए दुनिया यकसर तब्दील होने वाली है। इसलिए हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को ये जदीद सलाहियतें दे दें तो पाकिस्तान अगले 20 सालों में दुनिया में एक इंफॉर्मेशन पावर के तौर पे उभर सकता है। और अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो ये नौजवान जो अपने लिए रोज़गार चाहेंगे, इनके साथ एक पेट है, इनकी ज़रूरियात हैं, ये सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी डिसरप्शन हो सकेंगे। इसीलिए मेरी जमात समझती है कि इस वक्त हमें अपने नौजवानों को इस नए दौर के लिए नई सलाहियतें और स्किल्स देने के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारी जमात समझती है कि आज के नौजवान को मुर्गी अंडे कटा कटी की तरबियत नहीं, लैपटॉप्स और कंप्यूटर की तरबियत देनी ज़रूरी है। सेनेटर मुश्ताक साहब, मैदान आपका हुआ। नौजवानों के बारे में मैं हमेशा से बहुत बड़ा वकील रहा हूँ सेनेटर पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 साल से। मैं और मेरी जमात समझती है कि नौजवान इस पाकिस्तान का असल सरमाया है। 71% पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक के मुताबिक यूथ है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये नौजवानिस्तान है। इसलिए यहाँ VVIP स्टेटस वो हुक्मरानों का, सियासतदानों का, जजिस का, जर्नेलों का नहीं होना चाहिए, नौजवानों का होना चाहिए। हम नौजवानों को 3 E's, एजुकेशन, एंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनको मुफ्त तालीम दो, आला तालीम तक इनको मुफ्त तालीम दो, इनको एम्प्लॉयमेंट दो, रोजगार दो। आज हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, और इनको एंगेजमेंट दो, इनके हाथों में असलहा ना दो, इनको ड्रग ना दो, इनको गन कल्चर ना दो, इनको क्राइम कल्चर ना दो, इनको यूजफुल एंगेजमेंट वो स्पोर्ट्स की सूरत में दो। तो ये 3 E's मेरी और मेरी पार्टी की प्रायोरिटी है। और तालीमी इदारे जमहूरियत की नर्सरी बने और पाकिस्तान खानदानी जमहूरियत से निजात पाए और हकीकी जमहूरियत आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत कम होता है कि तीनों बहुत अच्छा बोलने वाले स्टेज पर मौजूद हों, और हमारे तीनों स्पीकर्स जो हैं वो फसीह और बलीग हैं, और जो कुव्वत है उनके पास बयान की वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब मैं बहरहाल फ्लोर आपके हवाले करने लगा हूँ, आपके पास माइक आएगा और आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप हमेशा सुनते रहते हैं, आप मदारिस में सुनते रहते हैं, आप स्कूलों में सुनते रहते हैं, आप TV पे सुनते रहते हैं, आप सियासतदानों को सुनते रहते हैं, बड़ों को सुनते रहते हैं, आपको बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। तो हम चाहते हैं कि आज इस महफिल की निस्बत आपको सवाल पूछने का मौका मिले और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। तो मैं चाहूंगा कि जरा सवालों को जी, यू रेज द हैंड सर, आप इन द मिडल सर, जी 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 बिल्कुल, आप खड़े होइए, माइक दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदसर है। तमाम जो सियासी जमातें हैं वो वादे और इस तरह के रेजोल्यूशंस जो हैं वो तो पेश करते हैं और स्लोगन्स भी लगाते हैं आवाम के लिए और खुसूसन नौजवानों के लिए कि हम उनकी बेहतरी के लिए जो हैं ये इकदामात करेंगे, लेकिन यह है कि हम अपने माजी में अगर देखें नज़र उठाकर तो वो ये है कि 5 से 10 साल तक मुस्लिम लीग नून और उससे ज़ायद अरसे के लिए उनकी हुकूमत रही, उसके अलावा भी हमारे मौलाना साहब हैं उनके भी हुकूमत में काफ़ी शिरकत रही। तो मैं ये पूछता हूँ कि पिछले माजी में क्या ऐसे इकदाम जो हैं वो किए गए हैं कि जो जिनसे नौजवानान को मुस्तफीद हुए हैं, और उसके अलावा ये है कि बहुत अच्छा आपका इकदाम है, मैं
मैं इस बात की यहाँ पर तहसीन करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ का ये जो प्रोग्राम है कि लैपटॉप की स्कीम, ये अभी ताज़ा तरीन जो लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो ये मेरिट की बुनियाद पर, एक चीज़ होती है कि आप नीड बेस्ड दें, ठीक है नीड बेस्ड भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरिट बेस्ड चीज़ है ये मैं बहुत अच्छी बात है, इसकी तहसीन काबिल दीद है। और बाकी उसके अलावा सवाल वही है कि इसके अलावा ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे इकदाम कौन कोई आप मुझे बता दें कि किए हों, और आइंदा आपके क्या सोच है कि क्या कौन कौन से आपने इकदाम करने का आपके दबाव में। अब आपने एक ख़तरनाक दरवाज़ा खोल दिया है, जब आप सियासी जमातों को कहते हैं कि बताएं कि आपने क्या क्या किया है, तो उनके पास बताने का बहुत कुछ है। तो बहरहाल मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ साहब आपसे, वर्किंग इट बैकवर्ड्स, जो जो भी ताकत में है, या आपके कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कि यूथ के लिए क्या आप स्पेसिफिक चीज़ बताएं कि यूथ यहाँ पे सुनना चाहती है आपसे कि अगर आप ताकत में हो या ताकत में शराकतदारी हो आपको, तो यूथ के लिए आप क्या उम्मीद का पैगाम और क्या हकीकी काम क्या करें। गो अहेड हाफिज़ साहब। देखिए बुनियादी तौर पर बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम की हकूमत अगस्त 1947 से लेकर आज तक इस्लामाबाद पर एक दिन के लिए भी जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्तकिल तौर पर हकूमत नहीं की है। इस मुल्क में 75-76 साल में अगर हकूमत की है तो डंडे की हकूमत रही, बंदूक की हकूमत रही, डिक्टेटर और आमिरियत और मार्शल्ला रही, या उसके मुतबादिल ऐसी जमहूरियतें आईं एक दो को मुस्तस्ना करके, एक तीन को मुस्तस्ना करके, अक्सर वो आए जिसको हम खामोश आमिरियत और खामोश मार्शल्ला कह सकते हैं, इस किस्म की हकूमतें आईं। अब इन हकूमतों में वो बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़ी जैसे PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब गुज़िश्ता 3.5 साल में जो हकूमत रही 25 जुलाई 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक जो हकूमत रही, सवाल उनसे बनता है कि आपने यूथ के लिए क्या किया। हम शरीक रहे इस 74-76 साल में सिर्फ 7 ईयर्स हम हकूमत में रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं बलूचिस्तान में हमेशा हकूमत में शरीक रहा हूँ। मैं बलूचिस्तान के हवाले से बजात खुद मिनिस्टर हेल्थ रहा हूँ। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। बलूचिस्तान की तारीख में हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं थी। जमीयत उलमा इस्लाम ने वहाँ बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी बना के दी। आज वहाँ 6000 बच्चियां वहां पढ़ती है, 6000 बच्चियां वहां पढ़ती है। एक कैडेट कॉलेज था बलूचिस्तान में, एक कैडेट कॉलेज था, मस्तूम कैडेट कॉलेज। आज पशीन में भी कैडेट कॉलेज है, किला सैफुल्लाह में भी कैडेट कॉलेज है, तुरबत में भी कैडेट कॉलेज है। एक यूनिवर्सिटी थी, आज बलूचिस्तान में 4 यूनिवर्सिटी है। लिहाजा बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम की जहां भी रोल आई है, इख्तियार आई है, उनकी इख्तदार आई है, फैसलों में उनका एक मुअस्सर रोल हो, जमीयत उलमा इस्लाम ने किरदार अदा की है। फेडरल हकूमत में 5 साल PMLN के साथ हम रहे, और फेडरल हकूमत में 2 साल पीपल्स पार्टी के साथ रहे, ये हो गए 7 साल, और 16 महीने ये रहे, ये टोटल 8 साल हो गए। इस 8 साल में अगर PMLN कहती है कि हमने नौजवानों के लिए ये किया है या पीपल्स पार्टी ये की है, तो फिर ये सिर्फ PMLN की कारकर्दगी नहीं है, ये पूरी टीम की कारकर्दगी है। जब क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं तो वो सिर्फ कप्तान का नाम नहीं है, वो शहनशाह प्रेजी का नाम भी है, उधर फख्र जमान का नाम भी है। कोई सेंचुरी बनाता है, कोई दस ओवर में 10 विकेटें उड़ा के देता है। तो लिहाजा एक इज्तिमाई तौर पर कैबिनेट और हकूमत जो फैसला करेगी नौजवानों के लिए, और मेरे ख्याल में की होगी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जितनी भी हकूमतें आई हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान आज न नौजवानों का पाकिस्तान रहा, न बुजुर्गों का पाकिस्तान रहा, ये न डॉक्टरों का पाकिस्तान रहा। ऐसा एक बात सर, आई नो यू हैव अ लॉट टू से, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको अगर मुख्तसर रखें तो पहली बात जो है मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है, हम सबको ये सोचना है कि आपकी नस्ल पाकिस्तान को 2047 तक लेके जाएगी। जब इस खित्ते में दो मुल्क अपनी 100 साल तकरीबात आज़ादी की मनाएंगे, एक हमारा हमसाया मुल्क और एक हम, और इस वक्त वो हमसाया मुल्क जो हमसे पीछे हुआ करता था आज हमसे आगे निकल चुका है। इसकी क्या वजह है?
अगर आप दूसरी जंग अजीम के बाद किसी भी उस मुल्क की तारीख उठा लें कि जो कामयाब इक्तसादी मैदान में हुआ है, वहाँ पे 10-10 साल के दौरानिए हैं जिसमें पॉलिसीज़ को तसलसल रहा है। जब भी आप 3-3, 4-4 साल की हुकूमतें चलाएंगे, कोई भी पॉलिसी अपने मुकम्मल असरात नहीं दे सकेगी। मुस्लिम लीग नून ने जब भी वो हुकूमत में आई है, चाहे 97 में हमने विजन 2010 के ज़रिए कोशिश की कि पाकिस्तान को अपर मिडिल इनकम कंट्री बनाएं, चाहे 2013 में विजन 2025 के ज़रिए कोशिश की, हर दफ़ा हमारे सफ़र को डिसरप्ट किया गया। लेकिन इस दौरान जो भी मौका मिला, तीन बुनियादी शोबे हैं जिनके ऊपर हमारी तवज्जो रही, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंगेजमेंट ऑफ यूथ। एजुकेशन के अंदर पंजाब में अगर हमारी हुकूमत थी तो मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि वो वाहिद सूबा था कि जिसने सबसे पहले हाई स्कूल की सतह पर गरीबों को, उनके बच्चों को पूरे सूबे में कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन देने के लिए तमाम हाई स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स बनाए। इसी तरह पंजाब के तमाम स्कूलों के अंदर 70,000 से ज़्यादा साइंस के टीचर्स को मेरिट के ऊपर सिलेक्ट करके कोशिश की गई कि गरीब लोगों को साइंस की एजुकेशन मिले और निज़ाम तालीम के अंदर बेहतरी आए। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो तकरीबन इस वक्त गालबन 20 अरब के करीब पहुंच चुका है, एशिया का सबसे बड़ा एंडाउमेंट फंड है जो उस वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने कायम किया, उसके तहत लाखों वो बच्चे और बच्चियाँ जिनके पेरेंट्स या छाबड़ी लगाते हैं या घरों में काम करते हैं, उन्होंने लम्स जैसे इदारों में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के स्कॉलरशिप्स लिए और अपनी ज़िंदगी बदल दी। ये वो कामयाबी है कि जिससे आप एम्पावर करें गरीब बच्चों को। एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नौजवान सोशल मीडिया की वर्चुअल रियलिटी की बजाय रैशनैलिटी के साथ हकायक को परखने और जांच कर फैसले करने की सलाहियत अपनाएं। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूं, मेरे जिस्म के अंदर एक गोली है जो एक नौजवान ने मुझ पर इसलिए चलाई कि सोशल मीडिया के ज़रिए उसके जहन में नफ़रत के इंजेक्शन भरे गए थे। अल्लाह ताला बचाने वाला है, उसने मेरी ज़िंदगी बचाई। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज नौजवानों के लिए ये है कि वो इन पैगामात से जो नफ़रत पे मबनी है, जो हेट पे मबनी है, जो प्रेजुडिस पे मबनी है, उनके निशाना बनने की बजाय अपने अकल व फिक्र से आज़ादाना तौर पे हकायक को जांचने की सलाहियत पैदा करें और फैसला करने की सलाहियत पैदा करें। बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये थे एक एदाद-ओ-शुमार की बात एहसन इकबाल साहब ने की, लेकिन ये भी कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि इतना कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जो तादाद है वो इन स्कूल बच्चों की तादाद से ज़्यादा है। पाकिस्तान दुनिया के उन बदकिस्मत ममालिक में से एक है जहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो हाईएस्ट है दुनिया के ममालिक में। साउथ एशिया में भी लोएस्ट नंबर पे हैं हम तालीम में। तो तालीम में काम हुआ होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो हकायक हैं वो बड़े खौफनाक भी हैं। पॉलिसीज का तसलसल नहीं है। सेनेटर मुश्ताक साहब जी, बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं सोचता हूँ कि तलबा यूनियन पर पाबंदी क्यों है, इसलिए है कि फिर तलबा इस तरह के सवालात पूछेंगे और उसके जवाब मांगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वो नुक्ता है कि पाकिस्तान और आलम इस्लाम अगर सियासी तौर पर कमज़ोर है, माशी तौर पर कमज़ोर है, इसलिए कि हुक्मरानों ने अवाम को, बच्चों को, नौजवानों को तालीम नहीं दी। आप अंदाज़ा कर ले, मैं कुछ जल्द जल्द कुछ आदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2022 का जो बजट है उसका वॉल्यूम है 9,500 अरब रुपए। आपको पता है उसमें तालीम का बजट कितना है? सिर्फ 90 अरब रुपए। आपको पता है उसमें स्पोर्ट्स का बजट कितना है? सिर्फ 3.7 अरब रुपए। आपको पता है उसमें हायर एजुकेशन का बजट कितना है? सिर्फ 65 अरब रुपए, 9,500 अरब रुपए में। जब आप तालीम को पैसे नहीं देंगे, जब आप उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, जब आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो बढ़ेंगे,
तो उसके नतीजे में कैसी आजादी होगी, कैसी तरक्की होगी, कैसे एक्नॉलेज रिनासा होगा? फिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? आप अंदाजा कर लें, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 90 लाख लोग ड्रग एडिक्ट हैं, नौजवान। आपको पता है उन 90 लाख ड्रग एडिक्ट नौजवानों का एज ब्रैकेट क्या है? 25 साल से लेकर 39 साल। इस उम्र के 90 लाख लोग, यूनाइटेड नेशन के 62 मेंबर कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी आबादी से हमारी ड्रग एडिक्ट्स की आबादी ज्यादा है। यह अब्सोल्यूट क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जब आप तालीम नहीं देंगे, बजट नहीं देंगे, तलबा को बोलने नहीं देंगे, फिर ड्रग आएगा, फिर गन कल्चर आएगा, फिर एक्सट्रीमिज्म आएगी, फिर मिलिटेंसी आएगी। तो मैं समझता हूं यह वो वजह है कि 60% 80 साल तकरीबन होने वाले हैं, सिर्फ 60% आपकी लिटरेसी रेट है, सिर्फ 60%। तो इसका कोई वजाहत नहीं है और मैं इसको सादा अल्फाज में एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों की कहता हूं। चलो एक वजाहत मैं करना चाहूँगा, बिल्कुल मुश्ताक साहब से इस हद तक तो मैं इतफाक़ करता हूँ कि हम तालीम और सेहत पे उतना खर्च नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, लेकिन मैं तसहीह करना चाहूँगा कि जो 9000 अरब में इन्होंने कहा कि तालीम के लिए 60 या 61 अरब हैं, सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन का बजट जो है वो 135 अरब रुपया है। और दूसरी बात यह है कि जो तालीम और सेहत के अखराजात हैं वो वफाकी हुकूमत के बजट में रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होते कि 18वीं तरमीम के बाद ये शोबे सूबाई हुकूमतों के पास चले गए हैं। लिहाजा अगर हम तालीम का पूरे मुल्क में बजट देखना चाहते हैं तो उसकी सही पिक्चर तब पता चलेगी जब हम सूबाई बजट के अंदर तालीम और सेहत के जो बजट हैं उसको मिलाकर देखें। देखिए, मैं अभी जब इस मजलिस में आ रहा था तो मैंने चेयरमैन HEC से मालूमात ले ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुज़िश्ता, बल्कि तहरीरन भेजा, गुज़िश्ता 6 साल से HEC का बजट 65 अरब रुपए पर स्टैग्नेंट है। ये करंट बजट है ना, वही बाकी जो डेवलपमेंट बजट है, आप देखें आपके तमाम यूनिवर्सिटीज में, आपकी तमाम यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, आपके तमाम यूनिवर्सिटी के पास तनख्वाहों की अदायगी के पैसे नहीं है, वो रोजाना फीस बढ़ा रहे हैं, सरकारी तालीमी इदारे अमलन प्राइवेट तालीमी इदारे बन गए हैं, गरीब का बच्चा मेरठ पे वहां तालीम हासिल नहीं कर सकता। मैं फिर आपकी तस्दीक करना चाहूंगा, 65 अरब सिर्फ करंट बजट है। एक साल में 2022 में जब हम हुकूमत में आए थे तो डेवलपमेंट बजट उनका 22 अरब रुपया था जिसको हमने बढ़ा के 71 अरब पे छोड़ा है। आप उनसे जरा पूछ लीजिए, इस साल डेवलपमेंट बजट उनका 71 अरब है, उसमें 65 अरब अगर आप शामिल करें करंट बजट के तो टोटल 135-136 बनेंगे। देखें, मेरा जो गैर मकबूल तरीन काम है बतौर स्टेज मैनेजर वो ये है कि मैंने सवाल लेने हैं। इस क्राउड में से कोई भी खुश नहीं होगा, एक माइक है और 100 सवाल हैं, तो जरा मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, थोड़े से तहम्मुल का मजारा कीजिए। बाकी आपको सवाल पूछने की पूरी गुंजाइश मिलेगी जब हम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे, आपके पास में आऊंगा, जितने सवाल पूछने पूछ लीजिएगा, फिलहाल जरा मुझे मैनेज करने दीजिए। गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कुरतुलैन है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द मैनेजमेंट ऑफ सुपीरियर कॉलेज कैपिटल कैंपस इस्लामाबाद। जैसा कि टॉपिक है जवान का पाकिस्तान, तो मेरी आप तीनों हजरात से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों की पार्टीज़ में यूथ की रिप्रेजेंटेशन कितनी है टॉप टीयर में, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है यूथ की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए? थैंक यू। माइक उनको वापस दीजिएगा और उसके बाद माइक पीछे आ रहा जी आपके पास, वहां पे आ रहा है माइक, डोंट वरी, इट्स कमिंग टू यू। जी सर, गो अहेड जी। यूथ को रिप्रेजेंटेशन, जवान लोगों की रिप्रेजेंटेशन, अगर सियासी पार्टियों की बात है कि सियासी पार्टियों में यूथ की नुमाइंदगी कितनी है, अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम की बात करते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम में आपको सूबा सिंध पर नज़र डाल दें तो सूबा सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम का सूबाई जो ज़िम्मेदार है वो नौजवान है, 30 से 40 साल के दरमियान उनका उम्र है, पूरे सिंध को चला रहे अलामा राशिद महमूद सुमरो साहब। अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी हमारे पूरी पंजाब का जो प्रेसिडेंट है सदर है वो भी नौजवान है, नसीर अहरार साहब। अगर आप सिर्फ उस ऊपर लेवल पे पूरी जमात का जो सरबरा है मौलाना फजलुर्रहमान साहब को देखते हैं तो इसमें आपको
एक तरफ अगर यूथ का होना ज़रूरी है तो दूसरी तरफ आपको सीनियर्स का और तजर्बाकार का होना भी ज़रूरी है। तजर्बे से भी हमने सबक सीखना होगा। तो इस सिलसिले में यूथ को वाकई आपके बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी पार्टियों में यूथ को नुमाइंदगी देनी चाहिए। अगर आप यूथ को नुमाइंदगी नहीं देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप चंद अफराद चंद शख्सियात के महदूद तक अपने पार्टी को कंट्रोल करके आगे लाने चाहते हैं, लेकिन नौजवानों पर आपने दरवाजे बंद किए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौजवानों को भी आगे लेके आना चाहिए। तो जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार सबके सामने, जमीयत उलमा इस्लाम का एक ज़िली तंजीम है, जमीयत थुलबा इस्लाम नौजवानों का। अभी जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने दस्तूर में ये तरमीम और ये तब्दीली की है कि नौजवान और यूथ का अपना तंजीम होना चाहिए और ख्वातीन का अपना तंजीम होना चाहिए, हर तबके का अपना तंजीम होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि सियासी तंजीमों में जब तक आप यूथ को नुमाइंदगी नहीं देंगे, आप यूथ को काम करने देंगे नहीं देंगे, वो किरदार अदा करें, मेरे ख्याल में कोई भी सियासी जमात को आप जमहूरी जमात नहीं कह सकते। एहसन इकबाल साहब, बिल्कुल जायज़ सवाल है। मुस्लिम लीग नून भी इनक्रेज करती है कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दें। हमारी अगर आप पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का जायज़ा लें, चाहे वो सूबाई असम्बली है चाहे कौमी असम्बली है, उसमें एक बड़ी तादाद नौजवान लेजिस्लेटर्स की है। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत का सबसे बड़ा जो डायलमा है, जिसके लिए अब हम अपने मंशूर में एक आइनी तरमीम प्रपोज कर रहे हैं और इंशाल्लाह इक्तदार में आके उसको ला कर पूरा करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान की पूरी जमहूरियत तकरीबन 1200-1400 मुंतखब ऑफिसर्स के गिर्द घूमती है, जो एमपीएस और एमएनएस के हैं, और इसके नीचे जो थर्ड टीयर असल में जमहूरियत की जान है, लोकल गवर्नमेंट, वो आइनी तहफ़ के बगैर है। लिहाजा वी इंटेंड के हम लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देंगे, उसके ज़रिए कम अज़ कम 2 लाख से ज़्यादा इलेक्टेड ऑफिसर्स को मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान की जमहूरियत में जगह मिलेगी, और ये लोकल गवर्नमेंट से एक प्लेटफॉर्म बनेंगे यंग लीडरशिप के लिए कि यूथ इन लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए मुंतखब होकर जमहूरियत के अंदर ऊपर आएँ, MPS बने, MNS बने, मुल्क की क़्यादत की तरबियत हासिल करें और मुल्क के अंदर अपना किरदार अदा करें। तो हमारी जमात कमिटेड है कि लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करके हम यूथ के लिए वो प्लेटफॉर्म देंगे कि ये अपना किरदार अदा कर सकें और जमहूरियत का हिस्सा बन सकें। वैसे एजन साहब, वैसे पूछ रहा हूँ, क्या सियासतदानों में भी कोई रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए? ये चीज़ देखिए, सियासतदानों में जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको भी आप जितना उसका तजुर्बा एक्यूमुलेट होता है वो उतना कीमती असासा हो जाता है, डॉक्टर भी रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए एक ब्लेंड की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिन मसाइल से आज नबर्द आजमा है, हमने 2018 में, मैं अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा करता था कि अगर आप एक अनाड़ी को मोटरसाइकिल की चाबी देंगे तो क्या होगा, तो लोग कहते थे जी किसी खाई में गिरेगा, किसी बस के साथ टकराएगा, अपना सिर भी फाड़ेगा, मोटरसाइकिल भी तोड़ेगा। तो मेरा ख्याल है 2018 में एक अनाड़ी को, जिसने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, उसे 22 करोड़ आवाम की चाबी देकर हम काफ़ी सबक सीख चुके हैं। तो लिहाजा तजुर्बे की और नौजवानों का ब्लेंड होना चाहिए। जी मैं एक हसन इकबाल साहब की अनाड़ी के इसके इजाफे और इसकी तायीद में कहता हूँ, जब तक हम सियासत को खेल समझेंगे और सियासत को खेल समझते हैं और ये हमारे कंसेप्ट और ज़हनियत होगी, हालांकि सियासत नाम है खिदमत का, कौम की फलाह, कौम की तरक्की, कौम की मुल्क की फलाह और तरक्की, लेकिन जब हम सियासत को खेल समझेंगे तो फिर वहाँ अनाड़ी खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं या वो खिलाड़ी कभी खिलौना भी बन सकता है, लिहाजा उससे मुल्क का बेड़ा भी गर्क होगा और कौम का बेड़ा भी गर्क होगा। मैं तो समझता हूं कि हमारी पार्टी में नौजवानों की अहमियत का इजहार जो है ये यूथ एक्सपो है। देखें नौजवान जो हैं, आप कुरान पाक में नौजवानों को रोल मॉडल करार दिया गया है, सूरह कहफ में असहाब कहफ को, इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। कुरान ने नौजवानों को, जो कि मिशनरी नौजवान हो, कमिटेड नौजवान हो, फिर आप देखें
سیرت نگار کہتے ہیں کہ 13 سالہ دور مکی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے سوائے ایک کے سب ان سے عمر میں کم تھے، نوجوان تھے، سب نوجوان تھے۔ پھر آپ دیکھیں اقبال کو، آپ کو پتہ ہے اقبال نے اپنی اردو اور فارسی کلام میں آپ لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ساری امیدیں ان کی آپ سے ہیں۔ لیڈرشپ کے اوپر اگر کوئی بندہ آئے گا وہ اپنی صلاحیت کے ساتھ آئے گا، لیکن نوجوانوں کے لیے پارٹیوں کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، مکمل طور پر کھلے ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا بھی موقع دیں، صلاحیت کی بنیاد پہ، ٹیلنٹ کی بنیاد پہ اگر کوئی آنا چاہے، ڈی این اے کی بنیاد پہ کوئی آگے نہ آئے، ڈی این اے کی بنیاد پہ کوئی آگے نہ آئے، صلاحیت کی بنیاد پہ آگے آئے۔ اور 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 سیاست 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 کو کھیل اور کھلاڑیوں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چور اور ڈاکوؤں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ اہل اور نہ اہل اور نہ لائقوں کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو صلاحیت کی بنیاد پہ، ان کو صلاحیت کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے۔ چلو صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا، انہیں ایک کیس سٹڈی کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے ایک مثال بیٹھی ہے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق تھا، امیدوار رکنیت تھا، رکن تھا، مقامی جمعیت کا ناظم تھا، اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا، لیکن مجھے جماعت اسلامی نے موقع نہیں دیا، مسلم لیگ نون نے موقع دیا کہ میں وزیر داخلہ بھی بن سکا، وزیر پلاننگ بھی بن سکا اور سیاست میں اوپر آ سکا۔ میں ابھی بھی ان سے کہتا ہوں آپ کے دروازے کھلے، آ جائے جماعت اسلامی، سر میرا ایک بہت سمپل سا سوال ہے آپ ساروں سے۔ جس طرح آپ سب نے بات کی نا، ایجوکیشن کی، ڈیولپمنٹ پہ بات کی، پالیسیز پہ بات کی کہ ہم یہ امپلیمنٹ کر رہے، وہ کر رہے، یہ سب کچھ کر رہے، تو اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو پاکستان کی 60-65% یوتھ کیوں ملک سے باہر جانا چاہتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ ریلیز عمران، اب مجھے پرسنٹیج کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹیکل کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ دیکھیے پاکستان کی یوتھ جو ہے جس تیزی سے باہر جانا چاہتی ہے اسی تیزی سے واپس بھی آنا چاہتی ہے۔ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ملک کے اندر ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا، لیکن 2017-18 میں پاکستان ٹرن اراؤنڈ ہوا۔ اور میں دبئی میں جب گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ہر بزنس فیملی سے ایک ایک بچہ پاکستان بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھو سی پیک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے پاکستانی بیرون ملک سے واپس پاکستان آ رہے تھے کہ پاکستان سی پیک کے نتیجے میں جو ٹیک آف کرنے لگا ہے، ہم اس میں جا کے موقع تلاش کریں۔ لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی اس نے جو حشر سی پیک کا کیا، جو پاکستان کی معیشت کا حال کیا، اس کے نتیجے میں اپرچونیٹیز، جابز اپرچونیٹیز ختم ہوئیں اور نوجوانوں میں مایوسی ہوئی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جب بھی ہم معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر لیں گے تو یہ سب نوجوان واپس پاکستان آئیں گے، چونکہ پاکستانی چاہے نارتھ پول پہ رہے چاہے ساؤتھ پول پہ رہے، اس کا دل پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ آپ گزارش سن لیں، ہاتھ نیچے کر لیں، ہاتھ اوپر کرنے سے مائک نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ چونکہ مہمان نے گرامی نے ہمیں صرف ایک گھنٹہ عنایت کیا ہے، تو ہم نے اب طے یہ کیا ہے کہ آپ کے جتنے سوال ہیں ان پر مبنی میں یہاں پر موجود ہوں گا، آپ کے ساتھ ایک یوتھ ڈائیلاگ ہم کریں گے۔ تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ دوسرا حصہ پروگرام کا، جس میں آپ کے سوالات، آپ کے خیالات، اور جہاں تک میں ساتھ دے سکا میرے جوابات اور تجزیے موجود ہوں گے۔ سو اسٹے وتھ می۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے پروگرام کے اس حصے میں شرکت کی۔ ہماری طرف سے پروگرام کے اس حصے میں یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔